जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी मंथ की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिनके लिए 10th पास स्टूडेंट आवेदन कर सकता है। यदि हम पांचों गवर्नमेंट जॉब को मिला दे दोस्तों, तो टोटल यहाँ 59,519 पोस्ट निकाली गई हैं, जो आपके लिए सबसे बड़ा मौका है दोस्तों। और इनके लिए आपको जरूर आवेदन करना चाहिए यदि आप 10वीं पास हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं पांचों गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो हमारी पहली जो जॉब निकाली गई है दोस्तों, यहाँ पास पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकाली गई है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से हमारी पहली जॉब निकाली गई है दोस्तों, और टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है 40,889 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए 10वीं पास स्टूडेंट आवेदन कर सकता है। यदि आप 10वीं पास हो चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 40 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ओके, जिसके लिए आप आवेदन दोस्तों 27 जनवरी 2023 इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और 16 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पास जनरल ओबीसी कैटेगरी की जो फीस लग रही है 100 रुपए लग रही है, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या पीएच कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका चयन कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपके 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर आपका यहां सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई इंटरव्यू, 10th क्लास के परसेंटेज पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आपके 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको इसके लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। पोस्ट नेम के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ग्रामीण डाक सेवक की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से 40,889 पद निकाले गए हैं, तो इसके लिए जरूर आपको आवेदन करना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में निकाली गई है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए सभी राज्य से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, तो आप यदि 10वीं पास हैं तो इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। देखिए यहाँ जो टोटल पोस्ट निकाली गई हैं, तो 2,112 पोस्ट निकाली गई हैं। 18 साल से लेकर 33 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पास 25 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, और 8 फरवरी 2023 लास्ट डेट रखी गई है। बात हुई क्लियर? और देखिए यहाँ पास जनरल कैटेगरी की जो फीस है तो 560 रुपए लग रही है, और यदि आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो आपकी फीस यहाँ 560 रुपए ही लगेगी। ठीक है, 10वीं पास है जॉब दोस्तों, तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आपको इसके लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट हैं उनकी फीस 310 रुपए लगेगी। बात हुई क्लियर? और देखिए यहाँ पास सिलेक्शन कैसे आपका किया जाएगा, आपका पहले पेपर होगा। ठीक है, जब आप पेपर में क्वालिफाई होंगे उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, देखिए पोस्ट नेम के बारे में अगर बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, एमपी में ये भर्ती निकाली गई है। तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए आपको इसके लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। ठीक है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो भर्ती निकाली गई है एसएससी की तरफ से, ये भर्ती निकाली गई है।
टोटल जो पोस्ट निकाली गई है 12,523 पोस्ट निकाली गई है। और किस पोस्ट के लिए यहाँ पास वैकेंसी निकाली गई है, तो एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो एसएससी की तरफ से एमटीएस और हवलदार के लिए भर्ती निकाली गई है, 12,523 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यदि आप दसवीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट यहां पास आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी दोस्तों। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहां मिल जाएगी। ओके, 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2023 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ फीस, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चयन कैसे किया जाएगा दोस्तों? तो देखिए पहले आपका पेपर यहाँ लिया जाएगा। ठीक है, जब आप पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे इसके बाद आपका फिजिकल होगा। लेकिन यहाँ दोस्तों एक कंडीशन रखी गई है, फिजिकल केवल और केवल हवलदार की पोस्ट में लिया जाएगा। ठीक है, यदि एमटीएस की पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो एमटीएस की पोस्ट में आपका यहाँ पास फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल हवलदार की पोस्ट में यहाँ पास सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो एसएससी के यहाँ पास ये थर्ड जो वैकेंसी निकाली गई है एसएससी की तरफ से निकाली गई है, एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए 12,523 पोस्ट हैं, दसवीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप दसवीं पास हैं तो इसके लिए आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर की जो जॉब निकाली गई है वो सीआईएसएफ की तरफ से निकाली गई है, सीआईएसएफ की तरफ से निकाली गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, तो सीआईएसएफ की तरफ से भर्ती निकाली गई है और कॉन्स्टेबल ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। बात हुई क्लियर, और टोटल पोस्ट यहाँ पास 451 निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10th पास हैं, 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और 21 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया को लेकर यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की 100 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा, आपका दौड़ होगा। ठीक है, आपकी हाइट नापी जाएगी, यही सीना नापा जाएगा, यही सब आपका नाप होगा। ठीक है, फिजिकल में जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब देखिए कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है तो ट्रेड टेस्ट तो होगा ही, आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, है ना, कि आपसे गाड़ी चलाती बनती है या नहीं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पास आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है और आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, गाड़ी चलाने का, तो देखिए ट्रेड टेस्ट में यही होगा, गाड़ी चलवाई जाएगी आपसे। ठीक है, और लास्ट में आपका पेपर होगा। तो सिंपल सा 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा, और इसका डिटेल वीडियो मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी, तो यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 5th जॉब के बारे में। तो देखिए एक मिनट, किस राज्य में? देखिए उत्तर प्रदेश में निकाली गई है भर्ती। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है, और टोटल यहां जो पोस्ट है दोस्तों 3,544 पोस्ट निकाली गई है। 18 साल से लेकर 44 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
और देखिए यहाँ पास यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं, इसमें 10th वाले आवेदन भी कर सकते हैं, इसमें 12th वाले आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए जरूर आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। 17 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप जल्दी करिएगा, 2 फरवरी को आप ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। फीस के बारे में अगर बात करें तो 1 भी रुपए फीस नहीं लग रही है, आप निःशुल्क इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरिट बेस पर आपका यहाँ पास सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, तो यदि आप इलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है। और इनमें से किसी भी जॉब को लेकर यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरे से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।